बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये है ट्रैक्टर और ये है नौ चक। ये है नौ चक और ये जो है इसका जो सामने ये इसको क्या डिग्गी कहते हैं पंजाबी में और टोबी भी कहते हैं। और यहाँ से पानी जो है घरों में जाता है। और ये इसकी मस्जिद और ये बोर्ड जिसके नीचे बैठ के सब बातें किया करते थे और ताश वगैरह खेलते थे। आज ये बोर्ड अकेला है, बूढ़े चले गए हैं और बच्चे फोनों के ऊपर हैं। और ये यहाँ की शॉप और ये हवा भरते हुए बच्चा। ये नौ चक की डिग्गी जो है वो नॉर्मली राउंड होती है। ये तो ये क्या कहते हैं इसको, मुस्तकील शक्ल की है। और ये देखें लोगों ने काफ़ी दरख्त लगाए हुए हैं घरों के आगे। और सोलंग जो है वो डिग्गी के पास पहुँचता है, आगे रोड है, सहूलियात बहुत हैं। मगर ये जो है डिसिप्लिन थोड़ा सा बेहतर होने वाला है। मगर एवरीथिंग ओके, वेरी नाइस। यहाँ से आपको बोर्ड नज़र आएगा, चौधरी ताहिर बशीर चीमा साहब जिन्होंने ये डेवलपमेंट कराई होगी, रोड वगैरह बनवाया होगा। मगर इस रोड की अभी लुक आफ्टर होने वाली है तो बेहतर करने वाला है। और ये देखें एक और बोर्ड बड़ा बड़ा आपको नज़र आ रहा है, पीपल है। ये नाइन चक का रोड, ये नाइन चक वालों के लिए आपको दिखा रहा हूँ दोनों साइडों के ऊपर। ये देखें ये ज़मीन, ये नाइन चक के वाले जो बाहर रह रहे हैं अगर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करें तो ये रोड जो है नाइन चक तक ठीक करवा सकते हैं। तो थोड़ी सी ज़कात इस रोड के ऊपर भी निकाला करें ताकि लोगों के लिए रास्ता बेहतर रहे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो लोगों जो ये जो जितने नाइन चक वाले उधर मकान पे मकान बना रहे हैं उनको चाहिए कि थोड़े से पैसे निकाल के इसके ऊपर भी लगाएं, और ताकि लोगों के लिए भी रास्ता नाइस बने और अच्छा लगे और आप लोगों के लिए भी। ये देखिए गवर्नमेंट बनवा देती है उसके बाद कोई भी बंदा लुक आफ्टर नहीं करता, तो दोनों साइडों से किनारे टूट चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारी टूट जाएगी। फिर इंतज़ार करेंगे 10 साल के अब बने कब बने, तो इसलिए इसका ख्याल करना भी ज़रूरी है। जब तक यहाँ तक जितना चक का हिस्सा बनता है वो चक डाले, इससे आगे जो जिस चक का हिस्सा बनता है वो डाले, ताकि ये वाली जो चीज़ें हैं ये ठीक रह सकें। अपनी मदद आपके तहत ही हमें काम करना चाहिए। हम हमेशा गवर्नमेंट से ही मांगते रहते हैं, जैसे पेरेंट्स से ही मांगते रहते हैं। कोशिश करनी चाहिए अपनी मदद आपके तहत भी अपनी लाइफ को बेहतर करें ताकि गवर्नमेंट के ऊपर इतना दबाव ना बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की कर सकें और बेहतर लाइफ गुजार सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।